को हमारी पार्टी के एक्टिव वर्कर्स को टारगेट कर रही है, उनके घरों पर जाकर उनको थाने में बुलाकर प्रताड़ित कर रही है, धमकी दे रही है कि आप इलेक्शन नहीं लड़ाओगे। गली गली घूमकर ये पूछा जा रहा है पुलिस के द्वारा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कौन कौन है, कौन कौन इलेक्शन में हिस्सा लेता है, और गली गली जाकर पुलिस लोगों में भय का माहौल पैदा कर रही है। हमने आपको नाम बताया अभी कि लाल कब्र पे, तारामंडल के पास हमारी जिला अध्यक्ष, महिला की जिला अध्यक्ष रूही खानम साहिबा, रात उनके घर पुलिस गई और उनके लड़के को उठा के ले आई, रात भर उसको पुलिस में अपने पास रखा। इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये बड़ी शर्मनाक है। हमने बार बार ये अपील की है कि चुनाव निष्पक्ष माहौल में हो, कोई भय का माहौल पैदा न किया जाए। इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान भी माहौल निष्पक्ष रहे और कोई भय का माहौल न हो, और पोलिंग के दिन भी कोई भय का और डर का खौफ का माहौल नहीं होना चाहिए। हमें यही कहना है, यही कह के आ रहे हैं, यही बात हम आप तक और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और लोगों से ये अपील करते हैं कि वो अपने अंदर से हर किस्म का डर खौफ निकाल दें और बेखौफी के साथ 5 दिसंबर को अपने वोट का इस्तेमाल करें और मतदान करें। अजी, पुलिस जो गश्त कर रही है, क्या मेन एक जगह कर रही है, क्या कहना चाहेंगे इसको? पुलिस गश्त करे, पुलिस पहले सड़कों पे गश्त करती थी, अब पुलिस पतली पतली गलियों में भी जा रही है ताकि लोग खौफजदा और हों। हम पुलिस के काम में रुकावट का हमारा कोई नहीं है, पुलिस को फ्लैग मार्च करना है करे, लेकिन देखा यही जा रहा है कुछ विशेष क्षेत्रों में गली गली घूमकर पुलिस खौफ का माहौल पैदा करना चाहती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब किसके इशारे पर? ये तो पुलिस बताएगी किसके इशारे पे कर रही है काम। आप हमारी शिकायत तो पुलिस से है, हम ऊंचे अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आज आपने चुनाव जो पर्यवेक्षक आए उनसे शिकायत की है? हमने शिकायत की है। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? हमने पर्यवेक्षकों से ये मांग की है कि चुनाव निष्पक्ष और भय के माहौल में नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। पक्षपातपूर्ण पुलिस हमारे ही वर्कर्स को टारगेट कर ले, पुलिस हमारे ही इलाकों में वोट कम डालने की रणनीति और षड्यंत्र रचे, ये नहीं होना चाहिए। इसका सबूत पिछला लोकसभा का इलेक्शन है, उससे हमें सबक लेना चाहिए और मतदान आज़ादी के साथ लोगों को करने देना चाहिए। अच्छा आसिम भाई, आपकी पार्टी के समाजवादी पार्टी के बहुत से लोग छोड़ छाड़ करके जा रहे हैं, जो बहुत करीबी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? छोड़ के इधर भी आ रहे हैं, ये चलता है, जिसमें अपनी विचारधारा बदल ली, जो आपका विरोध कर रहे हैं कैंडिडेट का, जो आपका विरोध कर रहे हैं, ये उनका हक है, जब वो मुखालिफ है तो विरोध तो करेंगे, समर्थन थोड़ी।